अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सायरा इब्राहिम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि यूं ही आप अपने प्यारों के साथ हंसता बसता रहें। ये आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज है मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ। बाहर से गर्मी है कि जान ही नहीं छोड़ रही। प्रॉपर सनी डे आज भी। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं उठाने लगी हूँ मारिया को। अभी उसका टाइम है स्कूल जाने का, वो अली एयर वन में है, तो उसका मैं कर रही हूँ लंच रेडी। चलें मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसके लंच में क्या बनाया है। को आज मैंने दिया है 1 बॉयल एग विद 2 नगेट्स और ये भी वो खा के नहीं आती। पता नहीं बच्चों ने आजकल तो इतना तंग किया होता है ना कि लंच में रोज़ सोचना पड़ता है लंच में इनके क्या बनाया जाए। और मैं एफर्ट करती हूँ कि मैं नगेट्स घर बनाऊँ, सारा कुछ घर में बना के दूँ उनको, होम मेड हो, लेकिन बच्चे हैं कि। और सुबह उठ के पहले मैं लेती हूँ 1 कप नीम गर्म पानी का, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। बीमारियाँ को स्कूल भेज दूँ तो फिर अपना और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और साथ में अपने सास ससुर का भी। फिर मैं आपसे उसकी भी शेयर करूंगी कि मैं क्या बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में। आज मारिया का स्कूल है इंटरनेशनल लिटरेसी डे और इसको मैंने रेडी किया है एज अ फेरी के तौर पे। और इसका बिल्कुल मूड नहीं है कुछ भी वीडियो बनाने को या फ़ोटो खिंचवाने को। यहाँ पर नाश्ता बना लिया था मैंने। अंकल आंटी का पराठा और रोटी बनाई थी, साथ करेलों का सालन। और ये मैंने चाय रखी हुई थी उनकी अपनी और हेल्पर जो आई थी उसकी। और ये पराठा बना रही हूँ कामरान के लिए। यहाँ पे हो गया है मेरा नाश्ता रेडी। ये करेलों का सालन है जो मैंने रात को प्याज भर के मसाले वाले करेले बनाए थे। मेरे हस्बैंड करेले नहीं खाते तो इसलिए फिर उनके लिए अंडा बना लिया, साथ अचार ले आई हूँ। अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और ये शेर उठ गया है और इसको मैंने रेडी कर दिया, शावर लिया है इसने। और ये माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है और ये बाबा के साथ जा रहा है शॉप पे। शहीर आपने शॉप पे जाना है, क्या लेना है आपने शॉप से? नैंडी लेनी है। और क्या लेना है? चिप्स भी लेने हैं। मामा को दोगे आप? बाबा को दोगे? किस पे जा रहे हो आप? किस पे जा रहे हो? चिप्स लेने जा रहे हो? चलो ठीक है, जाओ। बाय शहीर। शहीर बाय। जी भी फोन ले लेते हैं ना, फिर चलते हैं। बाबू जी। जी। माया बाय। माया को लेने चले स्कूल? नहीं। नहीं। चिप लेने? चले आते चले। चले। शहीद जा रहे हो? मामा को अल्लाह हाफिज़ कर दो। बाय बाय बाय। ये देखें जी, वो हेल्पर आई थी और सफाई कर गई है। और ये घर माशाल्लाह सारा नीट है, सब रूम क्लीन है। और इधर किचन में मैं बना रही थी राजमा, मैंने कुकर पर चढ़ाती है। और ये चावल मैंने धो के भी खो दिए हैं। एक बार फेरी वाले सारा दिन आते हैं। और यहाँ जी ये पानी की बॉटल्स मैं वॉश करके इनमें पानी भर के फ्रिज में रखूँगी। कोई भी मांगने वाला आता है तो बाद उसका पानी मांगता है ठंडा, तो सवाब है अजरे, तो मैं उनको पानी की बॉटल लेके देती हूँ ठंडे पानी की। आप भी अपने घर में कोशिश कीजिए भी इस तरह आपसे पानी मांगते हैं तो बॉटल्स को 1-2 एक्स्ट्रा भर के रखें ताकि आप किसी को पानी दे दें। और मैंने लगा ली है लॉन्ड्री और इसमें मैंने डाल दिए कपड़े। तो बस अब ऑलमोस्ट सारे काम डन हो गए हैं। शहीर क्या लेके आए हो शॉप से? बबल। बबल मामा को दोगे? बबल मैं बबल नाने। क्या कह रहे हो? बबल नाने। बबल खानी है, देते हैं मुझे। और क्या लाए हो शॉप से? बबल। बबल के अलावा क्या लाए? बाबा। बाबा ने लेके दिए बबल? ने बेबे ने, ने बेबे ने। ये देखिए मुझे आनी बोलता है।
मेरे भांजे भांजियाँ मुझे आनी कहते हैं ना, तो फिर इसने बस वहाँ से मामा के बजाय मुझे आनी। जब मैं अपनी मम्मी की तरफ जाती हूँ तो भतीजे भतीजियाँ मुझे बोलते हैं पुप्पो, तो बस फिर मैं इसकी पुप्पो बन जाती हूँ। और हाँ, जब कभी मैं इसको बोलूँ ना, मतलब अम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ पे भाभी को भाभी बुलाती हूँ भाभी, तो ये इसने फिर मुझे पका लेना भाभी भाभी, मामे को भी भाभी बोलेगा। शहीर हाँ हाँ, रैपर नहीं खाते, ये मुझे दें दे, मम्मा को देती है, ये दे मामा को, मामा को दे। जी अब बबल लेके ये चला गया, लेकिन आप बच्चों का बहुत ध्यान रखें जब बबल ये लोग खाएं, तो मैं तो इसके पास ही बैठी रहती हूँ। पता है बच्चों को जब हम खासतौर पर बच्चों को जब हम मना करते हैं ना कि आपने ये काम नहीं करना, तो बच्चे लाजमन वो करते हैं। तो अब देखें अब बबल लेके, शेख बबल अंदर नहीं करनी है आपने, बबल अंदर नहीं करनी, मामा को दे देनी है खा के। हाँ जी मामा को देनी, बिन में फेंकनी है। हाँ जी बिन में फेंकनी है बबल, जेली भी खाएंगे पर आपने बबल बिन में फेंकनी है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम? बताएं, माय नेम इज शहीर। हम सबको किसने पैदा किया? ओह माशाल्लाह, ये दुनिया किसने बनाई है? मारिया ने नहीं, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। हम सब कौन है? मुसलमान, माशाल्लाह। और ये बच्चों की छोटी छोटी शरारतों के साथ सारा दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। इतने मासूमाना बातें करते हैं बच्चे के, बहुत प्यार आता है बच्चों पे। ये मेरा ऊपर का भी पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नीट हो गया यहाँ पे भी, और मेरा रूम भी प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। टाइम हो रहा है, इट्स 11:35, और मैं लॉन्ड्री डाली थी बाहर, बहुत तेज़ धूप है बाहर। और ये देखिए जी, ये अच्छा, आप क्यों बिजली को हाथ लगाते हो? बिजली को नहीं हाथ लगाते ना, बिजली को हाथ नहीं लगाते ना। आज अंदर रूम में चलें, बाहर गर्मी है। अभी लाइट हो की है बंद, और ऊपर वाले पोर्शन पे तो वैसे भी ज़्यादा गर्मी होती है। मेरा रूम चूँकि ऊपर है तो फ़ौरन से पहले गर्म हो जाता है मेरा रूम। बस सुबह से अब फ्री हुई हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और नीचे जाके देखूँगी मेरा राजमा अगर गल गया तो फिर मैं उसको भूनती हूँ। 5 मिनट बैठूँगी, गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के स्कूल से आने पहले मैं सारे काम फिनिश कर लूँ, मेरा हर चीज़ क्लीन हो, घर मेरा प्रॉपर। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ बच्चों को देखूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं को लाइक जो किसी चीज़ की ज़रूरत है, स्टडीज़ में उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं उनको करवाती हूँ खुद से। मैंने कहीं भी आना जाना है तो मेरी कोशिश होती है मैं सुबह में बच्चों के आने से पहले मैं सारे काम कर लूँ। कहीं जाना है किसी के, लाइक मार्केट जाना है, कुछ लेने जाना है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह ही कर लूँ सारे काम, ताकि बच्चों के आने पर मैं टोटली फ्री हूँ। शहीद क्या कर रहे हो आप? हाँ, डोर बंद कर रहे हो? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ जी, आ जाओ ना। और चावल मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही, और साथ में मैंने काट लिया है सलाद। ये छोटी छोटी चीज़ें जो खाने के साथ आप ऐड कर लेते हैं, जैसे सलाद हो गया, चटनी हो गई, ये खाने के मज़े को दुबाला कर देते हैं। तो आप भी ज़रूर सलाद काटा करें खाने के साथ, वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये मेरा यम्मी सा हो गया खाना रेडी, बस अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे और फिर बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को खाना दूंगी। हाँ जी, तो अभी हो गए शाम के 5:30, मैं थोड़ा रेस्ट किया था, उठ के चाय पी है और असर की नमाज़ पढ़ी है, बच्चे आए थे, अब अपना बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ। अनाया क्या हाल है? अनाया क्या कर रही हो? कैसा रहा 5 दिन स्कूल में? अच्छा दिन था। और ये मारिया चला रही है स्कूटी, चलाओ मारिया आप। शाय क्या करने लगे? मैं क्या करने लगा हूँ?
शायद अपनी गाड़ी चलाने लगा है। जी बस सारा दिन इन बच्चों का यही। चले मैं आपको मिलवाती हूँ अशर से। अशर कैसे हो? अशर कैसा रहा आपका स्कूल का दिन आज? स्कूल का दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन गर्मी बहुत थी और अंकल भी बहुत लेट आए। आपने खड़े रहना था छांव के नीचे? खड़ा होता लेकिन फिर भी बहुत गर्मी थी। क्या कर रहे हो बाप? मैं को लेकर काम बहुत मिला। अच्छा चले ठीक है, आप अपना काम करो ठीक है। अभी हो चुके हैं 8:30 और बस मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ। बच्चे खाना खा चुके हैं, अब सबको बस लटाऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।